आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जिनके पेनिस में तनाव कम हो गया है, तनाव कम आता है और वो बीबी के पास जाते हैं, जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, समझे, या उनका तनाव नहीं मिल पाता, उनको टाइट होता है, होने के बाद जब बीवी के पास जाते हैं, करुणा का मुंह देखते हैं तो मुंह देखते ही फारिग हो जाते हैं या ढीलापन आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लूज़ हो जाता है, उनकी तैयारी नहीं हो पाती। अच्छा, किसी की समस्या ऐसी रहती है कि एक बार हम बिस्तरी करने के बाद उनकी दोबारा की तैयारी तो कई कई दिन तक नहीं होती, तो वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक रात में ही डबल तिबल तैयारी कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 2 से 3 बार भी कर सकते हो, इतनी ताकत और इतनी हाई दवा है ये, और देसी जड़ी बूटी की दवा है। इसका इस्तेमाल अगर आदमी सही तरीके से कर ले तो किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेगा। तो दोस्तों, वो कौन सी दवा है, किस दवा से हम तनाव बढ़ा सकते हैं, तो देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको नुस्खे की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जो कि हमारा आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों, हमें जो लेना है वो लेना है सफ़ेद मूसली। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद मूसली कितना लेना है, दोस्तों हमें सफ़ेद मूसली 20 ग्राम लेना है। मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के माइंड में ये बात रहती है कि सफ़ेद मूसली तो ठंडी तासीर की होती है, खुश्क तासीर की होती है, गर्म तासीर की होती है। तो जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद मूसली खुश्क और ठंडी तासीर की होती है, समझे। लेकिन इसका जो मैं आपको इसमें इस्तेमाल बता रहा हूँ, जब ये खुश्क तासीर की और ठंडी तासीर की दवा इसमें मिक्स रहेगी तो वो आपका वीर्य बनाएगी, वीर्य को गाढ़ा करेगी, और जब वीर्य बना के ज़्यादा हो जाएगा तब आपका तनाव जल्दी बढ़ेगा। अब देखिए, इसमें हमें लेना है दोस्तों आगे शिलाजीत। जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत अब हमारी गर्म आ गई तासीर में, समझे, इसलिए सभी तरह की तासीरें मिक्स करी जाती हैं। शिलाजीत हमें दोस्तों इसमें 20 ग्राम लेना है, और हमें इसमें अजगंध नागौरी हमें दोस्तों 20 ग्राम लेना है, समझे, और हमें कोंच का बीज इसमें 20 ग्राम लेना है, और हमें 20 ग्राम इसमें सिया मूसली भी लेना है। जी हाँ दोस्तों, 20 ग्राम सिया मूसली भी लेना है। अब ये दोनों चीज़ें, दो चीज़ें अलग पीसें और दो अलग पीसें, समझे, सफ़ेद मूसली और अजगंध नागौरी एक जगह पीस लें, और सिया मूसली और शिलाजीत और कोंच का बीज एक जगह पीस लें, समझे, ये चीज़ें अलग अलग पीस कर और इसको जो है एक बर्तन में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इस दवा को किसी भी शीशे के डब्बे में स्टोर कर लें। उस डब्बे में स्टोर करने के बाद इसका इस्तेमाल करें, आधा चम्मच सुबह को नहार में लें और आधा चम्मच रात को सोते समय लें। इंशाल्लाह दोनों समय में इसका इस्तेमाल करें, आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।